नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूरोथेरेपी हेल्थ केयर चैनल में। मैं पारुल कुमार, न्यूरोथेरेपिस्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहले हमने आपको बताया है, जो पहले आपको पढ़ा चुके हैं, उसके अंदर में हमने आपको बताया कि मुंह के अंदर जो पाचन होगा, मुंह के अंदर पाचन आपको सिखा दिया, जो बोलस बनता है मुंह के अंदर खाने का, बोलस के बाद खाना पेट में चला जाता, पेट के अंदर पाचन मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह मिलता है, उसके बाद खाने का बन जाता है काइम। अब काइम बनने के बाद में खाना उससे आगे पहुंचता है, कहां पहुंचता है और किस तरह से जो है आगे उसका डाइजेशन होता है, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भी आगे का डाइजेशन जो है वो खाने का किस तरह से होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो खाना आपने देखा कि मुंह से डाइजेशन होकर के खाना पेट में पहुंचा, ठीक है, ग्रास नली के द्वारा। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, ग्रास नली के बाद खाना पेट में पहुंचा, पेट में पहुंचने के बाद में यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें खाने के अंदर में मिला, फिर यहाँ पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिसने जो कैसिक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बनते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जब खाना ड्यूओडेनम में पहुंचता है, यानी कि छोटी आंत में पहुंचता है ड्यूओडेनम के अंदर में, तो क्या होता है कि ड्यूओडेनम के अंदर जो है आपका दो हार्मोन्स आपके बनेंगे यहाँ पे, एक आपका कोलेसिस्टोकाइनिन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, कोलेसिस्टोकाइनिन जो है यहाँ पे आपका गोल ब्लैडर को जो है एक्टिवेट करेगा, गोल ब्लैडर को संदेश भेजेगा कि अब यहाँ पे जो है ऊपर से काइम आ चुका है, तो गोल ब्लैडर क्या करेगा उस टाइम पे, यहाँ से जो बाइल बनाता है, देखिये गोल ब्लैडर क्या करता है, गोल ब्लैडर जो है पित्त का निर्माण नहीं करता है, पित्त का निर्माण कौन करता है, लीवर। लीवर जो है, जो लीवर है हमारा, वो पित्त का निर्माण करता है, बाइल का निर्माण करता है, और गोल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है, ठीक है। बाइल को क्या करता है कि लीवर जितना भी बाइल बनाएगा, लीवर जितना भी पित्त बनाएगा, उस पित्त को कहां पे स्टोर करके रखते हैं, गोल ब्लैडर के अंदर में, ठीक है। ये गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता रहता है, ठीक है। बाइल का पीएच कितना होता है, 8। बाइल का पीएच होता है 8, ये होता है एल्कलाइन। अब क्योंकि खाना एसिडिक है, कैसे, खाना जब पेट में पहुंचा तो यहाँ पे मिला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत एसिडिक है, तो यहाँ पे खाना हो गया एसिडिक, ठीक है। उसके बाद में जब अगर ये एसिडिक खाना हमारी आंतों के अंदर जाएगा तो डाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि आंतों को जो है वो एल्कलाइन खाना चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए, तो आंतों के अंदर में जो एसिडिक खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो बाइल का पीएच होता है 8, ये क्या करता है, जो एसिडिक काइम आया है पेट से ड्यूओडेनम की तरफ में, पेट से ड्यूओडेनम की तरफ जो काइम आया है वो एसिडिक है, ये उसको एल्कलाइन करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, उसको एल्कलाइन करेगा। दूसरी चीज, ये भोजन को एल्कलाइन करता है, फैट का पाचन यहीं पे होता है, जितना भी फैट जितना भी वसा खाने के अंदर है उसका डाइजेशन भी यहीं पर ही होगा आपका ड्यूओडेनम के अंदर में, ठीक है। तो डाइजेशन जितना भी होगा वो अभी आप देख लो कि जितना भी डाइजेशन होना है अब इस खाने का, वो इस ड्यूओडेनम के अंदर में ही होना है, इस ड्यूओडेनम के बाद में कोई डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। फैट का पाचन होगा, और ये दूसरी बात, एंजाइम नहीं होता है, ये कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, उसके बावजूद भी ये पाचन करता है, तो ये भी इसकी एक खासियत है कि ये कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, उसके बाद भी ये डाइजेशन करता है, ठीक है। और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन द्वारा जो है ये उत्तेजित होता है, एक्टिवेट होता है, ठीक है। ये अभी खाना आया, ये लीवर का और गोल ब्लैडर का फंक्शन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी तरफ है पैनक्रियाज, ठीक है। अब पैनक्रियाज भी क्या है, पैनक्रियाज एक ग्रंथि है, ठीक है, अग्नाशय जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अब ये क्या करेगी, ये पूर्ण पाचक एंजाइम, ठीक है, पूर्ण पाचक एंजाइम बनाएगी। कौन कौन सा एंजाइम बनाएगी, तीन एंजाइम बनाएगी यहाँ पे, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन, ठीक है। अब ये तीन जो एंजाइम है ये क्या काम करेंगे, ये जो हमारा जितना भी डाइजेशन बचा हुआ है, अब हमारे पास जितना भी डाइजेशन बचा हुआ है, ठीक है, उसको यहाँ पे ये कंप्लीट कर देंगे, जो पैनक्रियाज के तीन एंजाइम है। तो पहला है लाइपेज, लाइपेज क्या करेगा, जो प्रोटीन यहाँ पे पेप्टोन में चेंज हो गया था ऊपर, जिस प्रोटीन को यहाँ पे पेप्टोन में चेंज कर दिया था, ये उस पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज कर देगा, ठीक है। ये उस पेप्टोन को क्या करेगा, लाइपेज क्या करेगा, पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज कर देगा, ठीक है। दूसरा एंजाइम है अमाइलेज, अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है। अभी मंड का पाचन ऊपर भी हुआ था ना, ठीक है, मंड का पाचन ऊपर भी हुआ था, कहां पे हुआ था,
मुंह के अंदर में, मुंह के अंदर जो हमारा सलाइवा है, जो लार है, वो भी मंड का पाचन करती है। अब वहां से जो मंड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो मंड वहां से बच के रह गया है, उसका पाचन कहां पर होगा? ये अमाइलेज के द्वारा होगा, ठीक है। तो बाकी का पाचन कहां पे होगा? ये ड्यूओडेनम में, जो अमाइलेज पैनक्रियास से रिलीज होगा, उससे इस स्टार्च का बाकी मंड का पाचन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा? फैट का पाचन करेगा। फैट का पाचन, फैट का पाचन अभी गॉल ब्लैडर ने भी किया, उसके बाद जो थोड़ा बहुत बच जाएगा उसका पाचन ये क्या करेगा? फैट का पाचन ये ट्रिप्सिन करेगा। तो फैट, वसा, लिपिड्स का पाचन जो है ये